हमारे सरपंच हैं साहब सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि हो आप जी? अभी सरपंच कहाँ है? भाई कई सरपंच ना उन्हें आज बेचारा दिखा जाएगा भाई, माना फीलिंग भी आ जाएगी भाई, मारा भी कोई देखना आ रहा, मारे कोई सुनना आ रहा है, या तो गलत बात है ना जी, अन्याय है ना जी उनके साथ, उन्हें उड़ा होने चाहिए थे। आ मिना फिर भाई आओ, हमारा सरपंच मारे गिल्ला को नहीं, मारी सरपंच नहीं मारे गिल्ला को नहीं। अपने हल्के की जनता के चालान कटवाने के लिए हाल ही में चर्चा में आए पुंडरी के विधायक सतपाल जांबा आज फिर सुर्खियों में हैं। सुर्खियों का कारण महिला सरपंच पर उनके द्वारा की गई टिप्पणी है। विधायक जी सरपंच प्रतिनिधि को कहते हैं कि सरपंचनी को बुला दो, हमें भी थोड़ी फीलिंग आ जाएगी कि हमें भी कोई देखने सुनने आया है। विधायक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे कई लोग महिला विरोधी बता रहे हैं। दरअसल विधायक ने अपने धन्यवादी दौरे में महिला सरपंच की गैर मौजूदगी पर चुटकी लेते हुए यह बात कही थी। मौके पर तो विधायक की टिप्पणी पर खूब ठहाके लगे, लेकिन एक महिला सरपंच पर इस तरह की बयानबाजी उनके कई लोगों को असभ्य नजर आई। आप भी सुनिए वीडियो में क्या बोलते नजर आ रहे हैं विधायक सतपाल जांबा। हमारे सरपंच हैं साहब सिंह जी, सरपंच प्रतिनिधि हो आप जी? अभी सरपंच कहाँ है? भाई सरपंच ना उन्हें आज बेचारा दिखा जाएगा भाई, माना फीलिंग भी आ जाएगी भाई, मारा भी कोई देखना आ रहा, मारे कोई सुनना आ रहा, या तो गलत बात है ना जी, अन्याय है ना जी उनके साथ, उन्हें उड़ा होने चाहिए थे। आ मिना फिर भाई आओ, हमारा सरपंच मारे गिल्ला को नहीं, मारी सरपंच नहीं मारे गिल्ला को नहीं। तो सुन लिया आपने किस तरह विधायक ने एक महिला सरपंच पर टिप्पणी की। हालांकि इसके बाद विधायक ने अपनी बयानबाजी पर महिला सरपंच का नाम लेकर माफी भी मांगी। सुनिए इस दौरान क्या कहते नजर आए विधायक जी। कल की एक वाक्य था गांव फड़ का, जैसे कि हर गांव में है कि भाई 50% लेडीज है, 50% जेंट्स का कोटा होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो सरपंच प्रतिनिधि आते हैं, तो कल गांव फड़ में जो साहब सिंह है, जो उनकी वाइफ है ट्विंकल, वो नहीं थी। तो मैंने सरपंच साहब को बोला कि सरपंच साहब हमारे जो सरपंच हैं वो क्यों नहीं आए, तो कहते हैं जी मैं आता हूँ। मैं बोला भी अगर सरपंच आता है तो हमें भी आता है कि भाई हाँ भी एक फीलिंग आती है भी सरपंच भी आया हुआ है। अब हर बात के दो मायने होते हैं। अब उन्होंने अपनी छोटी सोच को लेके सोचा कि भाई हमारी लेडीज को कह के बोला भी फीलिंग आती है, ऐसी सोच लेके ना तो मैंने जन्म लिया है और ना आज तक अपने करैक्टर पे ऐसी उंगली उठने दी है। मैं अपनी महिलाओं के लिए, बहनों के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए वचनबद्ध हूँ और हमेशा रहूँगा। अगर मेरा ऐसा करने से मेरी ऐसी बात उनको डबल माइंड लगी, डबल मीनिंग उन्होंने ली है, अगर ऐसा करने से ट्विंकल बहन को कोई भी हर्ट हुआ है, उनको ठेस पहुंची है, मुझे शर्म माफ़ी मांगने में कोई शर्म नहीं आती। मैं उस बहन से माफ़ी मांगता हूं और वादा करता हूं उस बहन की भी सुरक्षा, जब तक मैं हूं उस बहन की सुरक्षा करूंगा।